धनबाद जिला के बागमारा प्रखंड के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय पांडेडीह, जो कि पांडेडीह बस्ती में स्थित है, जहां लकी कुमारी और उसके जैसे लगभग 70 बच्चे पढ़ते हैं। यहां दो शिक्षिका पढ़ाती है। यहां की मुख्य समस्या है पेयजल की। हम लोग वही नल का पानी लाते हैं, नल अगर बंद हो गया तो हम लोग यहाँ से लाते हैं। कितना दूर से लाते हैं? वही कम से कम यहाँ से 1 किलोमीटर है। इससे क्या क्या दिक्कत होती है आप लोग को? हम लोग का जब नल बंद हो जाता है तो कुआं जाते हैं, तो कुआं जाने के बाद आदमी लोग बोलता है कि जे तू लोग का सरकारी पैसा मिलता है, हम कहाँ से पानी देंगे। तू लोग अपन फिर रस्सी बाल्टी लाओ, रस्सी बाल्टी हम लोग कहाँ से देंगे। कितना पानी लाना पड़ता है? कम से कम वही मतलब 7 डेगची लाते हैं। पानी के लिए अब तक क्या क्या किए हैं? पानी के लिए हम लोग बहुत सारा से मैंने ये करके देखे लेकिन बन नहीं पाया, जबकि अभी लेडीज लोग यहाँ वहाँ से पानी ला के अपने बच्चे को खिला रही भोजन बना रही है। इसके अलावा यहाँ और भी कई गंभीर समस्या है जिससे यहाँ के बच्चों को जूझना पड़ता है, जैसे खेल का मैदान, बाउंड्री, लड़का लड़की के लिए अलग अलग शौचालय, लाइब्रेरी और तड़ित चालक की है। क्या समस्या है तुम लोग का? खेलने का मैदान नहीं और बैठने के लिए बेंच नहीं। लाइब्रेरी बना है आप लोग का? नहीं। बाउंड्री है बाहर से? नहीं। शौचालय बना है आप लोग का अलग अलग लड़का लड़की के लिए? नहीं। तड़ित चालक लगा है? जबकि शिक्षा अधिकार कानून 2009 के तहत ये सब प्रावधान होने चाहिए। यहाँ के चारों तरफ की जमीन कुछ ग्रामीण लोग जब्त करके रखे हैं, क्योंकि स्कूल के जमीन का नपाई नहीं हुआ है, इसलिए कई बार स्कूल के कामों के लिए फंड आया लेकिन उसे लौटा दिया गया। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया चूँकि इस स्कूल में ज़्यादातर मेरे समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं। मैं आप सभी वीडियो देखने वाले तमाम दर्शकों से ये अपील करती हूँ कि BEO मोतीलाल राम को मोबाइल नंबर 09951414176 पर फ़ोन करके दबाव बनाएं, ताकि जल्द से जल्द इस स्कूल में पेयजल की समस्या और अन्य गंभीर समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। मैं भारती, गांव पांडेडी, जिला धनबाद, झारखंड से, इंडिया अनहर्ड के लिए।